नमस्कार दोस्तों, हिंदी न्यूज अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यूपी की राजनीति में एक नई चीज़ देखने को मिली। जी, ये है गच्चा राजनीति। ये दरअसल योगी आदित्यनाथ ने, जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, इन्होंने सदन के अंदर, जो अभी मानसून सत्र चल रहा है यूपी विधानसभा में, तो विधानसभा के अंदर दरअसल बात ये है कि यहाँ पर जो नेता प्रतिपक्ष हैं माता प्रसाद पांडे जी, इन्होंने कुछ क्वेश्चन खड़े करे उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर, महिलाओं की जो सुरक्षा है, कानून व्यवस्था को लेकर के कुछ क्वेश्चन खड़े करे योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर। तो योगी आदित्यनाथ जी खड़े हुए उनका जवाब देने के लिए, और जब जवाब देना स्टार्ट किया तो उन्होंने पहले तो उनके लिए शुभकामनाएँ दीं और बोला कि आप इस सदन के अंदर बहुत वरिष्ठ नेता हैं और आप इतने मतलब वरिष्ठ सदस्य हैं, आप दो बार इस सदन के अध्यक्ष भी रहे हैं, तो आपका स्वागत है और आपको शुभकामनाएं हैं। और साथ ही में फिर उनका जवाब देना स्टार्ट किया, जवाब यहां से स्टार्ट किया कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो सकती है। ये किसी समय पर मुलायम सिंह यादव जी, जो अब हमारे बीच नहीं है, उन्होंने बोला था। तो इस शब्द को उन्होंने वहाँ पर दोहराया और कहा कि समाजवादी पार्टी इस तरह की है, तो इसलिए महिलाओं के ऊपर जो अपराध होते हैं उस पर समाजवादी पार्टी को बोलने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी सोच इस तरह की है कि लड़के हैं, लड़कों से गलती हो सकती है। इसी तरह से मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने उनको पहले तो पूरी तरीके से आईना दिखाया, फिर उसके बाद उन्होंने अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव जी के बारे में बोलना स्टार्ट किया। और उन्होंने यहाँ से स्टार्ट किया कि शिवपाल जी को भतीजे ने गच्चा दे दिया। गच्चा क्या दे दिया कि शिवपाल यादव तो बहुत वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ नेता माता प्रसाद पांडे भी हैं, लेकिन शिवपाल भी कोई कम नहीं है, शिवपाल जी भी बहुत वरिष्ठ हैं, तो इनको नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया। नेता प्रतिपक्ष अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये एक तरह से कैबिनेट मिनिस्टर की रैंक होती है, ये समझ लीजिए। विपक्ष का नेता जरूर है, लेकिन वो सारी जितनी भी ट्रांसफ़र पोस्टिंग इस तरह की जो निर्णय होते हैं, ट्रांसफ़र पोस्टिंग तो नहीं, लेकिन बहुत ही संवैधानिक रूप से जो निर्णय लिए जाते हैं उन सब में उनकी भागीदारी होती है जो नेता प्रतिपक्ष होते हैं, और उनको एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, उनका ऑफिस होता है बड़ा, तो उनकी काफ़ी पूँछ होती है। तो विपक्ष में रहने के बाद अगर कोई ज़्यादा मतलब हाइलाइटेड फिगर होती है तो नेता प्रतिपक्ष का ही होता है, और शिवपाल जी को नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया गया है। और अब आप ये भी समझ लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष बनाया नहीं अभी, और इससे पहले कुछ उनको बनाया नहीं, पार्टी ने कुछ उन्हें खास कुछ दिया नहीं, कोई पद वैसा, अभी तो वो महासचिव हैं लेकिन और इससे ज़्यादा अब कुछ नहीं है। और 2027 जो अब चुनाव होंगे उससे पहले कुछ ऐसा भी समाजवादी पार्टी के पास है भी नहीं कि वो शिवपाल जी को दे सके, क्योंकि अब 2027 में ही जो कुछ हो सकता है तब होगा, क्योंकि जो MLC वगैरह बनने थे वो सब बन गए, केंद्र में जो जाना था वो सब जा चुके, अब यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष बनाना था वो बनाया नहीं, तो शिवपाल जी के लिए कुछ है नहीं। तो वही अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ जी ने उनकी मजाक उड़ाया कि चाचा को गच्चा दे दिया गया भतीजे के द्वारा, क्योंकि जो उनको नेता प्रतिपक्ष बना सकते थे तो बनाया नहीं, और एक अगले को जो सवर्ण जाति से आते उनको बना दिया। तो दोस्तों, ये तो रही बात योगी आदित्यनाथ ने जो बोला। फिर उसके बाद खड़े हुए शिवपाल जी, शिवपाल जी का जब नंबर आया तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ जी को जवाब दिया, और जवाब कुछ इस अंदाज में दिया कि गच्चा तो हमें नहीं मिला है अखिलेश यादव की तरफ से, लेकिन 3 साल हम आपके भी संपर्क में थे, आपके भी साथ थे, तो आपने उस वक्त हमारी सुनी नहीं, तो गच्चा तो आपने भी हमको दिया। ये मतलब सदन के अंदर शिवपाल जी ने बोला, तो कहीं ना कहीं शिवपाल जी ने ये स्वीकार किया कि वो जब अपनी पार्टी उन्होंने बना रखी थी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, तो उस वक्त वो आदित्यनाथ या BJP के संपर्क में थे और वो BJP में जाना चाहते थे, लेकिन BJP ने उनको स्वीकार नहीं किया अपने पास, इसलिए उन्होंने अपने तरफ लिया नहीं। तो वही कहना था शिवपाल जी का कि गच्चा तो आपने भी हमें दिया,
तो कहीं ना कहीं शिवपाल जी ये समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने तो उनको धोखा दिया ही दिया, क्योंकि वो आना चाहते थे और उनको लिया नहीं। दूसरी तरफ ये भी वो स्वीकार कर रहे हैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट वे में कि हाँ, अखिलेश यादव ने, जो उनके चाचा हैं, उन्होंने गच्चा दिया है, उनको जो चीज़ मिलनी चाहिए वो चीज़ नहीं दी है। और शिवपाल जी एक ज़मीनी नेता हैं, आपने देखा होगा कि जब से वो समाजवादी पार्टी में अपनी पार्टी का विलय कर चुके हैं, तब से समाजवादी पार्टी जब भी चुनाव में जा रही है उसे विजेता ही हासिल हो रही, विजय हासिल हो रही है। अगर 2017 के मुकाबले इस बार 2022 के रिजल्ट अगर देखें तो समाजवादी पार्टी ने अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं अगर लोकसभा चुनाव की अगर 2024 की बात करें तो इसमें तो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। अगर सबसे ज़्यादा सीटें कभी जीती थी लोकसभा में समाजवादी पार्टी, तो वो पहले मुलायम सिंह यादव के समय में 35 सीटें जीती थी, और उसके बाद अगर उसका भी रिकॉर्ड तोड़ा है तो इस बार 2024 के चुनाव के रिजल्ट जो आए हैं उसमें अखिलेश यादव के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा गया उसमें जीता है, ये समझ लीजिए 37 सीटें जीती है, 2 सीटें ज़्यादा जीती हैं। और जब नेताजी ख़त्म हुए थे उसके बाद जब उपचुनाव हुए थे तो डिम्पल यादव जब चुनाव लड़ रही थी तो उनको भी जिताने का काम कहीं ना कहीं शिवपाल यादव ने किया था। तो शिवपाल जी ने बहुत ही मुश्किल समय में भी काम किया है पार्टी के लिए और उन्होंने जिताया है। इस बार जो सबसे ज़्यादा कठिन सीट मानी जा रही थी वो बदायूं की सीट मानी जा रही थी, तो बदायूं की जो सीट है लोकसभा की, ये जो शिवपाल यादव के बेटे हैं उनको दी गई। तो आदित्य यादव जो वहाँ बदायूं से चुनाव लड़े और जीते, शिवपाल यादव की ये मैनेजमेंट दिखाता है कि मोदी की जो लहर चल रही है, भाजपा की जो लहर चल रही है, और उसके बावजूद बदायूं की सीट पे उन्होंने जीत को हासिल किया। तो ये कहीं ना कहीं ज़मीनी नेता हैं, ये समझ में आता है। तो अखिलेश यादव अगर इनका मतलब इग्नोर इनको कर रहे हैं एक तरीके से, तो कहीं ना कहीं वो समाजवादी पार्टी के लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। लेकिन भाजपा को भी समझना चाहिए कि शिवपाल यादव जो हैं वो ज़मीनी नेता हैं, इतना ज़्यादा उनका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। साथ ही साथ जो शिवपाल यादव हैं इन्होंने एक चीज़ और भी बोली योगी आदित्यनाथ के लिए कि हमें तो गच्चा मिल ही चुका है, आपने गच्चा दिया, लेकिन आपको गच्चा देने के लिए आपके पास 2 डिप्टी CM है और वो आपको गच्चा देने वाले हैं। फिर पत्रकारों ने इसी क्वेश्चन को अखिलेश यादव से दिल्ली में पूछा, अखिलेश यादव जी ने से पूछा गया कि योगी आदित्यनाथ जी ने बोला है कि चाचा को आपने गच्चा दे दिया है, तो अखिलेश यादव जी ने उनको उसी अंदाज में जवाब देते हुए बोला कि गच्चा तो उनको ऑलरेडी मिल चुका है, योगी आदित्यनाथ जी को, इनकी पार्टी इनका साथ छोड़ चुकी है, ऐसे बोलकर वो फिर चले गए। तो दोस्तों, इस पर कुछ और न्यूज आएगी तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियो लेकर आऊँगा। धन्यवाद।